एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों, तो आपकी तीन चैप्टर के रिवीजन कंप्लीट हो गए हैं विथ एक्सरसाइज। आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है और यही आपके सिलेबस में बस चार ही चैप्टर हैं, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है रिवीजन का। तो आज पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जो आपका चौथा अध्याय है और आपके सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। तो उपसर्ग आप क्या होता है आप जानते ही हैं, जो वो शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो पहले उपसर्ग के बारे में देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे दुर, वी, उप, ये उपसर्ग हैं। और ये है मूल शब्द, बल, देश, वन, ज्ञान। अब इसमें देखिए, ये उपसर्ग अगर जुड़ गए, दुर्बल, विदेश, उपवन, अज्ञान, ये देखिए कहीं कहीं तो उपसर्ग जुड़ने के बाद सीधे अपोजिट हो जाता है, जैसे देश है तो इसमें भी उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द बन गया। बल का दुर जुट गया तो दुर्बल बन गया। वन का उपवन, ये तो अपोजिट नहीं है, लेकिन ज्ञान का अज्ञान। इस तरह से कहीं कहीं उपसर्ग जुड़ने से विलोम शब्द भी बन जाता है, कहीं कोई विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए उपसर्ग का डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद देखें, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत के उपसर्गों का, दूसरा हिंदी के उपसर्गों का, तीसरा उर्दू के उपसर्गों का। उर्दू यानी सिर्फ उर्दू के नहीं, कई प्रकार के विदेशी उपसर्ग हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उर्दू दिया हुआ है तो आपको तीन जानना है। यहाँ पे उर्दू, तुर्की, कई तरह के उपसर्ग यहाँ पे लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उर्दू दिया है, तो बस आपको यही जानना है कि हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी में कुछ उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे अभि, प्र, परा, उप, सम, अनु, औ, ये सब संस्कृत से आए उपसर्ग हैं। इनके अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभि का अर्थ होता है चारों ओर, सामने। प्र का होता है बहुत या आगे। परा का होता है परे, पीछे, उल्टा। उप का होता है छोटा या निकट, जैसे वन का उपग उपसर्ग लगता है तो उपवन हो जाता है, यानी वन से कुछ छोटा या वन के समान ही, वन के सन्निकट, तो इस तरह से ये होता है। फिर सम के साथ, सम का अर्थ होता है साथ और पूर्ण, तो संपत्ति, संपूर्ण, संवाद, ये वाद में सम उपसर्ग लगा है, यहाँ पूर्ण में लगा है, यहाँ पत्ति में लगा है, तो इस तरह से ये शब्द नए शब्द बन गए हैं। अनुमेंस होता है साथ या पीछे, साथ पीछे यानी जैसे हम अनुज लिखते हैं, अनुज पीछे यानी जो पीछे जन्म लिया हो जिससे, उसको अनुज कहते हैं, तो यहाँ अनुकार पीछे से हो जाता है। यहाँ पे साथ का मतलब है अनुताप, अनुक्रमण, अनुकंपा, इस तरह से होता है। अव, अव मीन्स होता है अनादर या नीचे, तो अवतरण, अवसाद, अवज्ञा, ये सब अव उपसर्ग लगने से सब बने हैं, शब्द बने हैं। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। देखिए यहाँ कुछ और है संस्कृत के उपसर्ग, नी, निस, दुर, प्रति, आ। उसके अलावा हिंदी के उपसर्ग देखिए, हिंदी में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 उपसर्ग इसमें दिए हुए हैं आपके हिंदी के। और भी उपसर्ग होते हैं, लेकिन आपके बुक में हिंदी के 9 ही उपसर्ग दिए हुए हैं, तो आपको 9 याद रखना है कि कितने उपसर्ग होते हैं हिंदी के, तो आपको 9 याद रखना है। जैसे इसे कैसे शब्द बनते हैं, अध है, अध उपसर्ग है, तो यहाँ पे देखिए जला शब्द में अध जला हो गया, खुला में अध खुला हो गया, पका में अध पका हो गया, इस तरह से उपसर्ग लगने के बाद पका शब्द है, अब इसमें अध लग गया तो अध पका यानी नहीं पका है, पूरा पका हुआ जो नहीं हुआ, तो इस तरह से शब्द में परिवर्तन आ गया, शब्द में कुछ और विशेषता उत्पन्न हो गई। फिर किए शब्द में पर लग गया तो पर किए हो गया, दादा में अगर पर शब्द उपसर्ग लग गया तो पर दादा हो गया। यहाँ देखिए अ उपसर्ग, औरत, अवदान, अवधारणा,
यहाँ पे भर भरा हुआ, भर मीन्स भरा हुआ, भर उपसर्ग लगा है, भरसक भरमार भरपेट इस तरह के उपसर्ग बने हैं। फिर स स यानी सहित, किसी तरह से जो भी शब्द आप बनाते हैं उसमें स लगा देते हैं तो पूरा हो जाता है। जैसे परिवार आप लिखते हैं तो आप उसमें स लगा देंगे तो स परिवार, मतलब पूरे परिवार के साथ। इस तरह से सकल सगुण ये स उपसर्ग लगाने से बने हैं। उन मीन्स एक कम, जैसे 19 यानी 20 में एक कम 19 हो गया, 30 में एक कम 29, 50 में एक कम 49, तो उन मीन्स एक कम होता है। तो ये भी ये हिंदी के उपसर्ग हैं। क क यानी बुरा, जैसे कपूत कुमारगी, इस तरह से कु या क एक प्रकार के उपसर्ग हैं। फिर अ, अ मीन्स होता है अभाव या निषेध, अकथनीय अनित्य असंगत ये सब निषेध आते हैं, तो इस तरह से इसे हो गए। नि मीन्स रहित या आदेश, निवेदन निषेध नियम, ये नि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो ये हो गए आपके संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग। अब आइए उर्दू के उपसर्गों को देखते हैं। उर्दू में है खुसला बद सर ना हम गैर बे, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। तो इनसे बनने वाले सब देखिए, खुश दिल खुशामद खुशकिस्मत, ला से लाचार लाइलाज, बद जमान बद दुआ बद मिजाज, ये बद उपसर्ग से बने हैं। फिर सर उपसर्ग से सरकार सरताज सरदार, ये सर उपसर्ग लगा है, ये उर्दू का उपसर्ग ये भी है। फिर ना उपसर्ग है तो इससे ना उम्मीद ना काबिल ना लायक जैसे शब्द से ही, इन शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द उर्दू के हैं। हम सफ़र हमराज हमदर्द, गैर कानूनी गैर हाजिरी, बेअदब बेअसर बेकरार, ये सारे शब्द आपको पढ़ने में ही लग जाएंगे कि उर्दू के शब्द हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन से उपसर्ग लगे हैं तो आप बड़े आसानी से बहुत ही इजली इसको आप बता सकते हैं कि ये कौन से उपसर्ग हैं। तो ये आपके चार प्रकार के उपसर्ग हो गए हिंदी में, उपसर्ग के भेद जो हैं तीन प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। ये तीनों उपसर्ग आपके कंप्लीट हो गए। उपसर्ग किसे कहते हैं आपने जान ही लिया, किस तरह से लगता है ये आपको पता ही है। अब हम देखते हैं शब्दों का निर्माण एक दूसरे तरीके से कैसे होता है। शब्दों का निर्माण दो तरीके से होता है, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्ययों के द्वारा भी। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले, तो दोनों में बस इतना ही अंतर है और काम दोनों का सेम है, वो भी शब्दों में परिवर्तन या विशेषता लाता है उपसर्ग भी, और प्रत्यय के द्वारा भी शब्दों में परिवर्तन या विशेषता ही आती है। तो यही चीज़ है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि ये शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय जो हैं हमारे, और उपसर्ग शब्द शुरू के आरंभ में लगते हैं। तो अब देखिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया कि शब्द के अंत में लगकर, उपसर्ग में आपने क्या पढ़ा था, शब्द के प्रारंभ में, और यहाँ क्या है, शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे शब्द पहले है और प्रत्यय बाद में है। खेल औना उपसर्ग लग गया, खिलौना हो गया। खा में ना उपसर्ग लग गया, खाना हो गया। मूर्ख में ता उपसर्ग लग गया, मूर्खता हो गया। तो इस तरह से खेल खा और मूर्ख ये मूल शब्द हैं, और औना ना ता शब्द प्रत्यय शब्द हैं, ये छोटे छोटे जो शब्दांश हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में कि इनका अपना कोई निजी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर आप बोलेंगे ता औना ना तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, विशेषता आ जाती है। तो इस तरह से इनका बहुत ही महत्व होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये अपना कोई महत्व नहीं रखते ना कोई अर्थ रखते हैं। प्रत्यय नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये तभी सार्थक होते हैं जब किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अर्थात समझ आ गई आपको बात कि ये इनका कोई अर्थ नहीं होता है, सार्थक तभी होते हैं जब किसी मूल शब्द या किसी शब्द के साथ ये जुड़ते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तभी इनका कोई महत्व होता है, अन्यथा ये निरर्थक शब्दों में इनकी गिनती हो जाएगी। ये जैसे शब्दांश है जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है।
तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जैसा है कि नाम से ही पता चल रहा है कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत क्रिया शब्दों का ये प्रत्यय होते हैं। जो प्रत्यय क्रियाओं धातुओं के अंत में पीछे के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय लगने से जो नए शब्द बनते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय वो सब प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ जुड़कर उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें विशेषण या संज्ञा के रूप में परिवर्तित करते हैं, और परिवर्तन करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वे नए शब्द बनते हैं, वे शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे बच आओ बचाओ, बच कैसा है, क्रिया शब्द है, बचना एक क्रिया है, तो इसमें आव शब्द जुड़ गया, आव प्रत्यय जुड़ गया, तो ये बचाव हो गया। अब देखिए प्रत्यय कृत प्रत्यय, यहाँ पे कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए हुए हैं। अन आ ता आवट आवा आई ना दार नी हरा इक ई। अब यहाँ पे शब्द देखिए क्या है, चल घूल जा लिख बुला पढ़ चढ़ खा लेन जन पालन धर्म भारत। यहाँ पे जितने शब्द आप देख रहे हैं ये क्रिया शब्द आपको दिख रहे हैं, चल भूल जा लिख बुला। यहाँ पे भी देखिए लिख बच पा घबरा पछ जादू लाठी खा कमाम। यहाँ पे गलत आ गया है मामा, ये कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया शब्द के साथ लुकते हैं, करने थक ये सब क्रिया शब्द हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिख लिख क्रिया शब्द है, इसमें वाला प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या संज्ञा शब्द बन गया लिखने वाला। बच क्रिया शब्द है बचना, आव जुड़ गया बचाव, ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। यहाँ लिख शब्द है तो ये आवट हो गया, ये लिखावट हो गया, यहाँ पे विशेषण शब्द में परिवर्तन हो गया इसका धातु शब्द का। तो इस तरह से कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनमें परिवर्तन लाते हैं, उन्हें संज्ञा या विशेषण के रूप में परिवर्तित करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये जब परिवर्तित हो जाते हैं तो इनको कृदंत कहा जाता है। अब आपका दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के अंत अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगकर उनमें विशेषता लाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा वो कृत प्रत्यय थे, ये तद्धित प्रत्यय हैं। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में जुड़ते हैं या अव्यय शब्दों में। अव्यय यानी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण है, जैसे खाट धन या खटिया दुकान धन दार दुकानदार। ये खाट क्या है, ये संज्ञा शब्द है, दुकान भी एक संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से इनमें जो जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, अच्छा कुछ प्रत्यय जो होते हैं वो विशेषण बनाते हैं, तो वो उन तद्धित प्रत्ययों को देखिए। सुख देश ये दो शब्द आपके, तो अब इसमें देखिए दायक दाई ई ये विशेषण बन गया। सुख जो है एक भाववाचक संज्ञा है तो इसको क्या बना दिया, सुखदाई, इसको विशेषण बना दिया गया इस प्रत्यय के अनुसार। देश ई देशी ये भी एक विशेषण हो गया। देश एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, ये भारत देश है, ये अमेरिका है, ये चीन है, ये सब एक देश के नाम है। अब यहाँ पे देशीय शब्द क्या हो गया, ये विशेषण बन गया कि ये देशी है कोई भी वस्तु, तो उसकी वो विशेषता बतलाता है कि ये देशी या विदेशी है। तो यहाँ पे ये देश में ई प्रत्यय जुड़कर विशेषण में परिवर्तित हो गया। फिर देखिए बाजार शब्द है, चमक शब्द है, इसमें भी प्रत्यय जुड़ने पर ये बाजारू चमकीला ईला प्रत्यय लगा चमकीला, ये सब क्या है, ये विशेषण शब्द हैं। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय द्वारा विशेषण का निर्माण होता है। फिर है कृपा, इसमें आलू प्रत्यय जुड़ गया कृपालु हो गया। बुद्धि में मान प्रत्यय जुड़ गया बुद्धिमान हो गया। समाज में इक प्रत्यय जुड़ गया सामाजिक हो गया।
सेठ में आनी प्रत्यय जुड़ा, सेठानी, हाथ में नी हथिनी, कलकत्ता या कलकतिया, ये सारे जो है विशेषण शब्द बनते जा रहे हैं। ननिहाल, पत्रकार, बलवान, छतरी, ये छतरी तो विशेषण नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। गरीबी, कुलीन, कल्पित, ये सारे जो हैं विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पे दिया है आपका विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो इतना ही आपके बुक में, बस विशेषण बनाने वालों, संज्ञा और आदि बनाने वाले शब्दों को नहीं दिया है इसमें। तो ये हो गया आपका तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दोनों प्रत्यय आप के हो गए। अब यहाँ देखते हैं हम, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। फिर प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। देखिए ठीक, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों, दोनों का काम एक ही है, बस जुड़ते एक दूसरे के अपोजिट है। ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, प्रश्न अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें आपको देखना है, दुर्भाग्य शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दुर्भाग में ये दुर उपसर्ग लगा है, ये भी दुर है लेकिन यहाँ देखिए हलंत नहीं है, जबकि दुर्भाग्य में जो उपसर्ग प्रयुक्त होता है वो इस तरह का होता है, ये दूर है, इसका अर्थ ही अलग हो गया। तो ये आपका सही है, यहाँ पे आपका टिक लगेगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आप जानते हैं दो ही प्रकार के होते हैं, वे प्रत्यय जिनके लगने से क्रिया के साधन का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे करण प्रत्यय कहलाते हैं। ये करणवाचक आप में दिया हुआ है, इसका मैंने आपको समझाया था दूसरी बुक से, और यहाँ पे बहुत क्लियर आप में करणवाचक और तद्धित प्रत्यय के बारे में बहुत कम ही दिया है। तो यहाँ पे करणवाचक, कर्मवाचक, कर्तृवाचक, इस तरह से जो भी प्रत्यय होते हैं, तो मैंने आपको बताया था किस तरह से करणवाचक होता है। तो जिनके लगने से क्रिया के साधन का बोध होता है, जिसके कारण कार्य हो रहा है, तो इस तरह से आपको समझना है। साधन यानी जिससे कार्य हो रहा है उस साधन को आपको देखना है, तो वो क्या है? कारण है जिससे का, जैसे राधा पेन से लिखती है, तो इसमें पेन जो है कारण है, तो उसको करणवाचक कहते हैं। फिर है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं जो कृत प्रत्यय है वो किस में लगता है? वो हमेशा क्रिया शब्द में लगता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले शब्द, तो वो हमेशा तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। फिर है आपका दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ स शब्द दिया है, स अभि बे नी और स, ये पांच उपसर्ग आपके दिए हुए हैं। अब इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं, तो आप स को बल में, जल में, इस तरह से किसी भी शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सबल, सजल। अभि से बना हुआ है अभिमान, अभिशाप, अभिशप्त भी हो सकता है। बे से बेजान, बेनाम। फिर नी है निहाल, निशान। स से सफल, सरस। सजल भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी समझ में आए लिख सकते हैं, लेकिन मैंने दो दो करवा दिया, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, इसका रिवीजन भी मैं इसी वजह से करवा दे रही हूँ। फिर है निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। शब्द दिए हुए हैं, ये उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों में से आपको किसी एक को जोड़ना है जिस पे जो सूट करे, जिससे ऐसा शब्द बने जिस जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द नहीं बनाने हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका परा उपसर्ग है, अगर इसको आप मान में जोड़ देंगे तो परा मान कोई शब्द नहीं बनेगा ऐसा जो सार्थक शब्द हो। इसलिए आपको ये देखना है कि ये जो शब्द हैं, मूल शब्द हैं, इनमें से कौन सा उपसर्ग इनके साथ बनने से उनके अर्थ में उचित परिवर्तन आएगा या सार्थक परिवर्तन आएगा। तो ये सम जो है मान के साथ जुड़ा और ये सम्मान बन गया। परा अभी जो है अगर मान के साथ जुड़ता तो कोई शब्द मानता, लेकिन यहाँ जय के साथ जुड़ने पे पराजय हो गया।
उत उपसर्ग है आपका, उत्साह के साथ जुड़ा तो उत्साह बन गया। फिर निर्गुण, यहाँ पे निर उपसर्ग गुण के साथ जुड़ गया तो निर्गुण हो गया। कार के साथ अधि उपसर्ग लगने से अधिकार हो गया। अन के साथ, अन जो है जान के साथ जुड़ा तो अनजान बन गया। सकल के साथ जुड़ा तो सकल हो गया। सकल में होता संपूर्ण या पूरा। अगर आप कल का अर्थ देखेंगे तो कल का अर्थ बीता हुआ या आने वाला कल होगा, लेकिन स जब इसके साथ जुड़ गया तो इसके अर्थ में एकदम से परिवर्तन आ गया, ये संपूर्ण बन गया, पूरा या संपूर्ण इसको कहते हैं। तो अब है आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे वाला है, वाला से तो आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे टोपी वाला, घर वाला हो गया, फेरी वाला हो गया, जादू वाला, कुछ भी कर सकते हैं। ये घर है प्रत्यय, तो जादूगर, बाजीगर। आहट है तो घबराहट, कड़वाहट, इससे दो शब्द आप बना लिए हैं। आपा से मोटापा, बुढ़ापा। आई से कठिनाई, पढ़ाई लिखाई, मिठाई, इस तरह के आप शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे आपको शब्द पूर्ण शब्द दिए हुए हैं जिनमें प्रत्यय लगे हुए हैं। अब इनमें से आपको प्रत्यय अलग करने हैं। यहाँ पे देखिए प्रायोगिक लिखा है, तो यहाँ पे मूल शब्द प्रयोग है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये एक आपको यहाँ पे अलग करना है। यहाँ से सुलभता है, तो ये सुलभ शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा है, इसको अलग करना है। दुर्बलता है, तो दुर्बल में भी ता प्रत्यय जुड़ा है। विदेश में ई प्रत्यय जोड़कर विदेशी बन गया है। फिर ईमानदार है, तो इसमें दार प्रत्यय जुड़ा है। अक्लमंद में मंद प्रत्यय है। गरीब में ई प्रत्यय जोड़ के गरीबी बन गया। मानव के साथ ता प्रत्यय जुड़ा तो मानवता। इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में है प्रश्नों के उत्तर, तो आप प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको टिक भी करवाए थे, आप देख लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा आपको उदाहरण सहित कैसे जानना है, उदाहरण क्या होते हैं, जो उपसर्ग वाले शब्द हैं वो आपको दो तीन शब्द आपको उसमें से दे देने हैं, और बाकी उपसर्ग की परिभाषा आप जानते ही हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर तो उपसर्ग हो गया आपका, जो वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आप उपसर्ग के कोई भी दो तीन उदाहरण दे देंगे, दुर्भाग्य, इस तरह के जो भी शब्द आपको जो भी इजी लगेगा या जो भी उस समय याद रहेगा। फिर हिंदी कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो आपकी बुक में 9 प्रकार के उपसर्ग यहाँ मैंने आपको बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 दिया है आपकी बुक में, तो आपको 9 ही लिखने हैं। उपसर्ग और भी ज़्यादा होते हैं लेकिन आपको 9 याद रखना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, तो प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, या वे शब्दांश जो शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका जितना भी सिलेबस था प्री क्वार्टरली एग्जाम का, 4 चैप्टर थे आपके, चारों चैप्टर विथ एक्सरसाइज आपके मैंने रिवीजन करा दिए हैं कम्प्लीटली। तो इसको आपको बस पढ़ना है और तैयार करना है। अब आपके एग्जाम के बाद आपके नए चैप्टर स्टार्ट होंगे, तो इधर आप इनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मैंने आपका बहुत अच्छे से करा दिया है, बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता आप कहीं से कुछ इसमें से भूलेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज और एग्ज़ाम का जो भी था आपका सिलेबस, जितना सिलेबस था टोटली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।